हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के लगातार झटके आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर बेल्ट मुख्य रूप से यमुना नदी इत्यादि के पास के क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय जोन के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में भूकंपीय जोन कौन कौन से हैं? इस वीडियो में हम भारत में भूकंपीय जोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भूकंप पृथ्वी की सतह का एक कंपन है जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में लचक या समस्थानिक समायोजन के कारण होता है। यह मानव जनित या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी हो सकता है, यानी जब धरती की प्लेटें टकराती हैं तब भूकंप आता है। जब पृथ्वी की बाहरी परत में अचानक से हलचल होने लगती है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंपी ऊर्जा को उत्पन्न करती है जिसके कारण भूमि हिलने लगती है और भूकंप आ जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि भूकंप की लहरें किसी क्षेत्र से टकराने से पहले उस क्षेत्र के वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस का बढ़ना दर्शाता है कि यह क्षेत्र भूकंप की चपेट में आने वाला है। इस पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं और निष्कर्ष निकाला गया है कि मिट्टी या भूजल में रेडॉन गैस की उच्च सांद्रता एक आने वाले भूकंप के संकेत हो सकते हैं। जिस बिंदु पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप का फोकस कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे होता है जबकि वह स्थान जो फोकस के ऊपर लंबवत होता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं वह एपिसेंटर कहलाता है। फोकस से अलग होने वाली ऊर्जा को इलास्टिक ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं? तो भूकंप आने के कारण प्राकृतिक घटना या मानव जनित कारण हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भूकंपीय तरंगें क्या हैं? भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगों के रूप में जाना जाता है और इन्हें तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तीनों के बारे में एक करके जानते हैं। पहले नंबर पर आती हैं प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगें। इन्हें पी वेव्स के रूप में भी जाना जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं। सेकंड नंबर पर आती है माध्यमिक या अनुप्रस्थ तरंगें। इन्हें एस वेव्स या एस तरंग के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रकाश तरंगों के अनुरूप ट्रांसवर्सल तरंगें होती हैं। और थर्ड नंबर पर आता है सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स। इन्हें एल वेव्स या एल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये तब उत्पन्न होती हैं जब पी वेव सतह से टकराती हैं। हम चर्चा करते हैं सीस्मोग्राफ क्या होता है। वह उपकरण जो भूकंपी तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है और भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। अलग अलग पैमाने हैं जिनका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। उनमें प्रमुख हैं रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर पैमाना। हम आपको बता दें कि समान भूकंपी तीव्रता वाले क्षेत्रों में शामिल होने वाली रेखाओं को आइसोस्मिल रेखाएं कहा जाता है और उन स्थानों को जुड़ने वाली रेखाएं जो एक ही समय में भूकंप के झटके का अनुभव करती हैं उन्हें होमोसिस्मल रेखाएं के रूप में भी जाना जाता है। हम चर्चा करते हैं भारत में भूकंपीय जोनों के बारे में। भारत में मुख्य रूप से चार भूकंपीय जोन हैं। पिछले भूकंपीय इतिहास के आधार पर भारतीय देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों अर्थात जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ में वर्गीकृत किया है। इन सभी चार जोनों में जोन फिफ्थ सबसे भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है, वहीं जोन टू सबसे कम है। हम चर्चा करते हैं इनके तीव्रता की और भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। तो जिसे कम तीव्रता वाला क्षेत्र कहा जाता है उसमें रिएक्टर स्केल पर 6 या 6 से कम वाले भूकंप को मापा जाता है। जोन थर्ड मध्यम तीव्रता वाला होता है जिसमें 7 तीव्रता वाला, जोन फोर्थ में 8 रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है वह आते हैं, और जोन फिफ्थ जो सबसे गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र होता है 9 या 9 से ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर जिसे मापा जाता है वह जोन फिफ्थ में आते हैं। हम चर्चा करते हैं भारत में भूकंपीय जोन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। जोन फिफ्थ में पूरे पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन फोर्थ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के शेष भाग, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से तथा पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से शामिल हैं। जोन थर्ड में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के शेष भाग,
पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। सबसे अंत में आता है जोन टू, जिसमें देश के शेष बचे हुए हिस्सों को शामिल किया जाता है। भारत का भूकंपीय जोनिंग मैप भारत में सबसे कम, मध्यम, साथ ही सबसे अधिक खतरनाक या भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कराने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे नक्शों का उपयोग या वृद्धि भवन के निर्माण से पहले किया जाता है ताकि किसी विशेष क्षेत्र में भूकंपीयता के स्तर की जांच हो सके। लंबे समय में यह जीवन बचाने में भी मदद करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भूकंप क्या होता है, यह कैसे आता है और भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।